हेलो डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की हेल्पिंग वर्ब में हम कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विल बी और शेल बी इन दोनों में से कोई एक हम लिखते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब इन द फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस और हम इसमें मेन वब यूज़ करते हैं v1 वन प्लस आई क्योंकि देखिए ये भी एक कॉन्टीन्यूस टेंस है इसलिए हमने v1 वन प्लस आई ही यूज़ करना है एज अ मेन वब तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि विल बी को हम यू ही शी इट एंड दे के साथ यूज़ करते हैं और शेल बी मोस्टली हम आई एंड वी के साथ यूज़ करते हैं तो अब हम देखते हैं इसका यूसेज कि हम इसे कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस इज़ यूज टू अभी हम देखेंगे कि हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ गिवन टाइम इन द फ्यूचर एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर कोई भी ऐसा एक्शन जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पर फ्यूचर में होगा तो वो प्रोग्रेस में होगा तो हम वहाँ पर फ्यूचर टेंस यूज़ करते हो टुमारो एट दिस टाइम आई शैल बी लिविंग फॉर फ्रांस देखिए कोई कह रहा है कि इस टाइम मैं फ्रांस के लिए निकल रहा हूँगाक्स्ट है रेफर टू एन इवेंट विच एक्स इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नॉर्मल कोर्स इट सजेस्ट समथिंग विच इज़ एक्सपेक्टेड टू हैपन कोई भी काम जो हमें लगता है कि होगा ही होगा मतलब वो नॉर्मल है ठीक है तो वहाँ पर आप फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ कर सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल द ट्रेन विल बी अराइविंग सोन तो इसका मीनिंग क्या है कि ट्रेन नॉर्मली जल्दी आ जाती है और आज भी वो जल्दी ही आएगी ओके okay, तो अभी आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज भी है आपने यहाँ पर यूज़ करना है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस फिल इन द ब्लैंक्स यूज फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स देखिए इट डैश इन कश्मीर ड्यूरिंग मई देखिए यहाँ पर रेन लिखा हुआ है ब्रैकेट में तो आंसर क्या आएगा विल बी रेनिंग ओके विल बी रेनिंग इज़ द राइट आंसर फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस आपने यूज़ करना है तो यहाँ पर विल भी रेनिंग आएगा नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट मंथ आई डैश इन बैक इट मीट सम ऑफ माई होर फ्रेंड्स देव तो यहाँ पर क्या आएगा शेल बी मीटिंग देखिए यहाँ पर आई यूज़ हुआ है तो नॉर्मली हम आई के साथ शेल ही यूज़ करते हैं तो यहाँ पर शेल बी मीटिंग लिखना है आपने ठीक है स्ट्रक्चर को याद रखना है शेल बी या विल बी है और वी वन प्लस आई एन जी है नंबर थ्री डैश यू बी डैश इन ब्रैकेट मेक टी इन द इवनिंग तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि विल स्टार्टिंग में आएगा और उसके बाद क्योंकि बी ऑलरेडी लिखा ही हुआ है तो यहाँ पर आपने आगे सिर्फ मेन वर्ब के साथ आईएनजी यानी कि मेकिंग लिखना है यहाँ पर ठीक है मेक जब आप मेक uh, देखते हैं तो ई e लास्ट में लिखा हुआ है लेकिन उसको आपने रिमूव कर देना है और यहाँ पर मेकिंग आ जाएगा ब्लैंक uh, में ठीक है वेल यू बी मेकिंग टी इन द इवनिंग तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर हमने फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ किया है ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग आई होप याक टू डे वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हेवेंट डन इट येट थैंक यू